मुस्कान, पिया को लेके आओ जल्दी। जी। बुलबुल देखो ना, सालू को फोन लगा, वो अभी तक आई काहे नहीं है। विशेष तो बोल रहा था कि दोनों समय पे आ जाएंगे। जी हम लेकर आ गए सालू जी। आओ अंदर आओ। पिया ये देखो, बुलबुलिया दीदी तुम्हारे लिए कितना सुंदर केक लेके आई है। शेष जी आपने तो हमें डरा ही दिया था, क्या जरूरत थी ये सब करने की? वहां मम्मी जी पूजा के लिए मांग। शालू जी आप जाकर अपनी बहन का केक काटिए, घर पे मामा जी पंडित जी को संभाल लेंगे। अरे भांजी जल्दी करें, स्टार्ट करो, टाइम नहीं है। अरे मामा वो तो ठीक है, लेकिन पहले शालू जी को सच तो बता दें। कैसा सच? यही कि हम ऑफिस नहीं कहीं और जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। अरे चलो चलो चलो। आप जितने शरीफ दिखते हैं ना उतने हैं नहीं, कहां से लाते हैं ऐसे आइडियाज? जान ही निकाल दी थी आपने हमारी। सालू जी माफी मांगते हैं, वो घर पे जो हमने आप पे नाराजगी दिखाई, कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। विशेष जी आपको पता है सब कुछ कैसे संभालना है, हमें एहसास हो रहा है कि हमें आपसे प्यार होने लगा है। आप लोग यहीं खड़े रहोगे क्या? चलिए केक काटते। चलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दीदी। आओ टिया यहाँ। हैप्पी बर्थडे छोटी साली साहिबा। थैंक यू जीजू। अच्छा वैसे जो शालू जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा था वो आपको मिला कि नहीं? गिफ्ट नहीं तो दे? तिया ये गिफ्ट ना दीदी ने ऑनलाइन भेजवा दिया था, हमने सोचा जब दीदी आएगी ना तब हम तुम्हें देंगे। थैंक यू दीदी। लाओ ये इधर दो और अब तुम जल्दी से केक कट करो, दीदी और जीजू को वापस भी तो जाना है। टिया क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वो मिश्रा जी अब तक नहीं आए, उन्होंने कहा था कि केक साथ में काटेंगे।